हे ब्यूटीज, दिस लीरा एंड बी वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि फ्रीजी डमी हेयर को कैसे वॉश कर सकते हो आप लोग। वॉश करने से पहले मैं कॉम कर लूँगी हेयर को। आप देख सकते हो मेरा डमी हेयर कितना फ्रीजी हो चुका है एंड इसी हेयर को मैं पहले जैसा सिल्की बनाने की कोशिश करूँगी। आप जब भी कॉम करोगे तो आप नीचे से ऊपर करना। मेरा डमी हेयर कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया है तो मुझे जहाँ से आसानी लग रहा था मैं वहीं से कर रही थी। पहले एक गमले में पानी लेके मैं हेयर को वेट कर लूँगी। इससे हेयर वेट भी हो जाएगा और एक्स्ट्रा जो डार्ट है वो भी निकल जाएगा। देन मैं डाव शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी माइल्ड शैम्पू यूज़ कर सकते हो, जैसे पिंक सनसिल्क भी आप यूज़ कर सकते हो। बट आपको ध्यान रखना है, आपको कोई भी हार्श शैम्पू आप यूज मत करना। मैं हाथ में लेकर ही शैम्पू कर रही हूँ, बट आप चाहो तो एक बोल में आप पानी और शैम्पू लेकर भी वॉश कर सकते हो। धीरे धीरे इस तरह से आपको शैम्पू करना है। आप चाहो तो हेयर को पकड़ के भी शैम्पू कर सकते हो, इससे नॉट बनने की चांसेस बहुत कम होता है। ऐसे हम ह्यूमन हेयर में करते हैं, ऊपर से लेकर स्कैल्प से लेकर नीचे तक आपको वैसे ही शैम्पू करना है डमी पे भी। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करना है, मैंने आपको दिखाने के लिए शूट किया था। जैसे हम ह्यूमन हेयर में शैम्पू से सर्कुलर मोशन में मसाज करते हैं, आपको वैसे डमी हेयर में नहीं करना है, नहीं तो ज़्यादा नॉट बच जाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक टिप्स है, आपको ध्यान रखना होगा। फाइनली मेरा शैम्पू करना हो गया है। आप अगर केमिकल प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ किया है तो आप दो बार भी कर सकते हो, पर मैंने उतना नहीं किया था तो मैंने एक ही बार शैम्पू किया है। मेरे लिए एक बार ही काफ़ी है। और मेरा डमी हेयर की हालत ऐसा क्यों है वो भी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी, जो बिगिनर है उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा शायद। ध्यान रखना आपके हेयर में कोई भी शैम्पू ना रहे, इसलिए आपको अच्छे से धोना है। मैं मग से फिर से धो रही हूँ। हेयर के ग्रोथ जिस डायरेक्शन में गया है आपको उसी डायरेक्शन में धोना है और शैम्पू करना है। अब हेयर को उल्टा फुल्टा मत करना। देन मैं डाव कंडीशनर यूज कर रही हूँ। मैंने दो कंडीशनर यूज किया है। आपको आपके हेयर के हिसाब से जितना चाहिए आप उतना यूज कर सकते हो। हेयर के पानी अच्छे से झड़ जाए उसके बाद ही आप कंडीशनर यूज करो। कुछ प्रोसेस हमारे ह्यूमन हेयर के जैसे ही है और कुछ प्रोसेस अलग है, तो आप वीडियो अच्छे से देखोगे तो समझ जाओगे क्या करना है आपको और क्या नहीं करना है। बीच बीच से हेयर को हटाकर अंदर भी आपको कंडीशनर लगाना है। कंडीशनर लगाकर मैंने एक घंटे के लिए छोड़ दिया था। अभी मैं फिर से हेयर को वॉश कर लूंगी। हल्के हाथ से आप हेयर को रब कर सकते हो। मग से धोने के बाद भी मुझे लग रहा था कि कंडीशनर थोड़ा बहुत रह गया है, तो मैं गमले में पानी लेकर फिर से धो रही हूँ। और अब पानी को देखकर समझ जाओगे कि हाँ, कंडीशनर था हेयर में। मैंने ओवरनाइट हेयर को रूम टेम्परेचर में रख कर हेयर को ड्राई कर लिया है। यही प्रोसेस मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। आप चाहो तो उसी दिन भी ब्लो ड्राई कर सकते हो, या फिर आप रूम टेम्परेचर में सुखा कर नेक्स्ट डे भी आप ब्लो ड्राई कर सकते हो। बट ब्लो ड्राई से पहले आपको फिर से कॉम करना है हेयर को। थोड़ा बहुत नॉट होता है तो आपको हाथ से ऐसे नॉट को क्लियर करना है, फिर आपको धीरे धीरे नीचे से ऊपर कम करना है। मैंने दोनों साइड पहले ही कर लिया था एंड पीछे मैंने नहीं किया था, आपको दिखाने के लिए अभी पीछे कर रही हूँ। कम करने के बाद अभी भी आप देख सकते हो मेरा डमी हेयर कितना ड्राई लग रहा है। अगर आपके डमी हेयर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है, तो फिर आप ब्लो ड्राई कर लो। और अगर आपके हेयर भी डमी हेयर भी मेरे जैसा है तो फिर आप स्ट्रेटनिंग करो, जैसे मैं अभी करने वाली हूँ।
ड्राई या फिर स्ट्रेटनर करने से पहले आप हीट प्रोटेक्शन यूज़ कर सकते हो, पर मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं यूज़ किया है। और आप शैम्पू करने से बाद सीरम भी यूज़ कर सकते हो। मैं भूल गई थी उस टाइम, सो मैंने यूज़ नहीं किया था। ओके, तो स्ट्रेटनिंग करते करते अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरा डमी की हेयर ऐसा क्यों है, मैंने ऐसा क्या गलती कर दिया था कि मेरा डमी हेयर ऐसा हो गया है। जो बिगिनर है उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो। 2 ईयर्स पहले जब मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट की कोर्स कर रही थी, तब मैंने प्रैक्टिस के लिए ये डमी हेयर खरीदा था। इसका प्राइस 2000 या फिर 2500 ऐसा कुछ था उस टाइम। तो मेरा गलती ये था कि मैंने सोचा था कि ह्यूमन हेयर में हम लोग जितने टाइम के लिए होल्ड करते हैं या फिर जितना हीट देते हैं, तो मैं डमी हेयर में भी वैसे ही हीट या फिर होल्डिंग यूज कर सकती हूँ। मुझे उस टाइम शॉप वालों ने या फिर मैम ने भी गाइड नहीं किया था और मैंने पूछा भी नहीं था, वो मेरा ही गलती था। सो आप भी अगर बिगिनर हो और आप इसी रेंज में डमी खरीदते हो, तो फिर आप मैम से जरूर पूछो कि आप कितना हीट दे सकते हो डमी में, नहीं तो आपका डमी हेयर भी मेरे तरह हो जाएगा। फाइनली आप देख सकते हो कि कितना सॉफ्ट हो चुका है हेयर। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।